अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, आपकी कमाई में और आपके काम में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज के व्लॉग में जो है, मैं तो अपने बारे में कुछ नहीं शेयर करूँगी कि मैं अपने लिए क्या लेकर आई हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। आज का सारा जो व्लॉग है वो है मेरी छोटी बहन के हवाले से कि आज की शॉपिंग बेसिकली उसके लिए की है और उसका क्या रीज़न है। तो वो जानने के लिए जो है ना, आप वीडियो एंड तक देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो आज की जो प्रोडक्ट्स मैंने परचेज़ की उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, तो सारी मेरी बहन के लिए। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज जो है लोकल कॉन्फेक्शनरी की शॉपिंग की है, जो चॉकलेट्स और जेलीज वगैरह होती हैं वो हम लोगों ने परचेज़ की। और वो क्यों परचेज़ की हैं तो ये जब आप वीडियो आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैंने अभी बता दिया तो वो वीडियो का सस्पेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं तो बेसिकली खाती हूँ चिप्स, स्नैक्स, चीटोज, बाइट्स, कुरकुरे, तो मेरी ये स्नैकिंग होती हैं। मैं खाती हूँ मैरी बिस्किट या वी टेबल खाती हूँ तो वो आपको मेरे व्लॉग्स में नज़र आते हैं। बट आज जो है ना, उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ मैंने अपने लिए नहीं परचेज की। सो ये है अदाक फुल, और कहने को ये छोटा सा दाग है लेकिन यूँ कह लें उम्र यार की जंजीर है और इसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलेंगी। तो भी आप सब मिलकर बोलें माशाल्लाह। खुल जैसे से खुल जैसे वो तो उम्र यार नहीं था, वो तो अली बाबा 40 से उड़ता। अब मुझे क्या पता, वो उम्र यार करता था कुड़क झुमझुम, वो था वो वही वाला था ना इन कॉलेज में, मुझे याद है। उसकी जमीन में बहुत सारी चीजें, ये कितना सा फैला होता था, सॉरी ये नहीं, किस तरह का फैला होता था खाकी रंग का, उसमें से बड़ा कुछ निकलता था हमारे पहले में से। आज ये नहीं, ठीक है जी। तो इसको हम अनव्रैप करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और वो मैं जो हूँ आपके साथ शेयर करूँगी कि ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली आई हैं मेरी सिस्टर के लिए और वो खाएगी ये तमाम। तो जनाब ये चॉकलेट्स हैं और आई थिंक ये इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं और ये इसने हर तरह के फ्लेवर लिया है और इसने कहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करूँगी, उसने कभी भी ये प्रोडक्ट्स को जो है ट्राई नहीं किया है। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है और इसमें ये एक और है चॉकलेट, चॉकलेट बार है और ये जी नाव वालों की लिक्विड है। हम इससे पहले नाव की वो चॉकलेट खाते थे दूसरी, ये वो स्टिकी हो जाती थी। पढ़ा जा रहा है MON नाव है, NOW ये है, ठीक है जी। ये चॉकलेट है और ये ईंट है, ईंट है मिलानो नहीं, ये छोटी वाली, कौन सी छोटी वाली, ये वाली दो, ये इंट है, किसकी इंट है, चॉकलेट की। अच्छा ब्रिक है ना, स्टार ब्रिक नाम है उसका, यानी ये एक बार है, बार को उन्होंने ब्रिक कर दिया, ठीक है जी। ये ओपस है, मिलानो है, ये कैंडी लैंड की नाव है, ये जोजो वालों की क्रंच है, इसके अंदर वेफर होता है और वो ऑब्वियसली सामने से ही नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और उसके अलावा ये जो है पार्सो वालों की किंग चॉकलेट है जनाब, इसमें से देखें और कौन कौन सी चॉकलेट्स आई है, बस बस ये, हाँ जी। तो ये इसने चॉकलेट्स ट्राई नहीं की थी और कहा था कि मुझे ये एक एक ले कर दो और इसको मैंने ट्राई करना है, तो ये जो है उसके मुताबिक मैंने एक एक इसको ले लिया, इसको मैं करती हूँ एक साइड पे। और उसके बाद जो इसने चीज़ें नहीं ट्राई की उसमें आ जाती है ये बंटीज, ये वाली नहीं खाई ना आपने बंटी, नहीं मैं एक बार ट्राई करूँगी अगर मुझे अच्छी लगी फिर मैं दोबारा ले, स्टार घूम घूम वालों की बंटी, और ये काफ़ी छोटी लगी है मुझे, आई थिंक ये दाल चना की है। हाँ ना उतना ही साइज आ रहा है, वो भी मैं नहीं खोलूँगी ना, आपने इसको ट्राई करना, उसके बाद ये बनता है। और ये कौन सी कंपनी, ये मैंने क्यूरोसिटी में ली थी, लाइफ में लाए मिठास, डेन पार्क वालों, डेन पार्क वालों की है, और ये काफ़ी बड़ा साइज जम्बो, तो आप खुद ही तो कहते हो बंटीज छोटी हो गई है, वो एक नॉर्मल साइज होता है, ठीक है जी। और ये लिए हैं नटी, और नटी इसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मूंगफली है चॉकलेट कोटेड। और उसके बाद जनाब और क्या चीज़ें इन्होंने इसमें परचेज की,
ये हाँ जी, ये चौको फोर वालों की बनती है इधर, तो ये रुपीस 10 की हैं चौको फोर वाली। तो ये हो गया जी बंटीज सेशन। तो ये बंटीज इसने कहा मैंने कभी नहीं ट्राई की, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको ये ले देती हूँ, आप ट्राई करो। ये तो उस दिन हम लोगों ने देखी थी और घर ला के ट्राई की थी, तो वीडियो में नहीं कर पाए थे शेयर, तो ये भी मैं करी। उसके बाद जनाब मैंने लिया है मम्मी के लिए सॉल्टेज, वो काफ़ी दिनों से कह रही थी नमकीन कुछ नहीं है, और एक लिया है चॉकलेटो। तो सॉल्टिश का जो है पैकेट वो 7 या 6 रुपीज़ का आया करता था, जो अब 20 का हो गया, और चॉकलेटो जो है ये 10 रुपीज़ का पैकेट होता था, ये भी इन्होंने 20 में कर दिया। 10 रुपीज़ में 3 होते थे, तो 20 में 6 होने चाहिए, 20 में 4 हैं और साइज भी छोटा हो गया। तो मतलब ये है मज़े के बिस्किट, ठीक है ये कर लिए परचेज। उसके बाद एक न्यू बिस्किट मुझे नज़र आए थे, तो ये भी कह रहे थे कि ये सॉल्टी हैं और बिस्कॉनी वालों ने लॉन्च किए क्रस्क, तो ये मैंने ले लिए थे कि मम्मा ट्राई करके बताएंगी। आजकल उनका कार्बिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है नमकीन खाने को, तो मैंने कहा चलो ये भी जो है ना मम्मा जी ट्राई कर लेंगी कि ये कैसे हैं। उसके बाद जनाब आते हैं जेलीज पर, ये भी है, ये भी। अच्छा जी सॉरी, और ये एक सेंटेड फिल चॉकलेट वेफर्स हैं, ये भी अम्मी को पसंद है, तो ये मेरी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये मेरी मम्मा के लिए, और ये वाला पोर्शन जो है मेरी छोटी सिस्टर के लिए। तो देख लें फ्रेंड्स, आज मैंने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की। तो अभी चलते हैं जेली सेशन की तरफ, और हिलाल वालों की जिगली है, और ये बहुत मज़े की है जेली, ऑरेंज और लेमन फ्लेवर में। और मुझे इस तरह पता है कि जिन दिनों में स्कूल में जॉब करती थी, तो बच्चे वो अपने टीचर से जो है अप्रिसिएशन लेने के लिए रिश्वत के तौर पे कैंडीज़ और जेलीज शेयर किया करते थे, तो उस वजह से मैंने ये ट्राई की हुई है, तो मुझे पता है इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और जनाब ये हैं जिगली टी, ये भी ट्राई किए मॉन्स्टर, बहरहाल ओरिजिनल नहीं है, फादर के बनवाए थे वो भी तकरीबन ऐसे ही। और देन हाँ ये जी फिलहाल के हैं, ठीक है वो भी लाल के। देन आते हैं कैंडी लैंड की एबीसी में है ये जेली, ये बहुत पुरानी एबीसी वाली, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, ये है रिंगो जेली, तो ये मल्टी फ्लेवर में है बीपी वालों की रिंगो जेली। इसके बाद जनाब ये भी जो है ना एग शेप में है फिलहाल वालों की जेली है। उसके बाद जनाब हिलाल वालों की एक और जेली है, और ये फिश शेप में, अब कहने को तो जेली है ना, अब वो उसकी मुख्तलिफ शेप्स बना दी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। और जनाब किम्स वालों ने अपनी न्यू जेली निकाली है चिली पंच, ये चिली पंच है, और किम्स वालों की ही एक और है फ्रूट गाला, तो फ्रूट गाला भी जो है सिमिलर है ये पीच जेली के, तो ये देखें ये जो पीच जेली का फ्लेवर है इसी तरह ये चिली मिली की शेप नहीं आ रही थोड़ी बहुत, ये फ्रूट काला और जो है जिगरीज, ये तकरीबन एक ही इनका फ्लेवर है, इसमें मल्टी फ्रूट्स हैं और इसमें दो फ्रूट्स को फोकस किया है। और देन जी लास्ट में आ जाता है चिली मिली, अब चिली मिली मुझे जो है इस तरह नहीं अच्छी लगती कि एक बार जो है ये मैंने हॉट पेपर में चिली मिली खिलाई गई थी मुझे धोखे से, और मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता किसने मेरे मुंह में डाल दी, और वो मैं सक करती रही, और जब उठकर मैंने पानी पिया तो मेरा गला पकड़ा गया और मैं काफ़ी बीमार हुई, और मैं किसी भी बच्चे को डांट नहीं सकती तो इस वजह से जो है ना मुझे चिली मिली नहीं पसंद है। तो ये मेरी सिस्टर का कहना है कि थोड़ी सिमिलर है, तो ये खा कर भी टेस्ट किया जाएगा कि वाकई में ये सिमिलर है चिली पंच और चिली मिली। ये किम्स वालों की है, ये है कैंडी लैंड की। तो ये थी एक छोटी सी आज की जेलीज की शॉपिंग, और ये मेरी सिस्टर ट्राई आउट करके बहुत जल्द आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगी और बताएंगी कि उनको जो है ये तमाम प्रोडक्ट्स कैसी लगी। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इनबॉक्स में कमेंट करें, और मुझे बताएं क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं या अप्रिसिएशन, दोनों जो है वेलकम हैं।
और इससे जो है मुझे सपोर्ट होगी और मेरा चैनल ग्रो होगा और मैं अर्निंग करने लगूंगी। तो मुझे सपोर्ट करें, इन रिटर्न मैं आप लोगों को सपोर्ट बैक करूंगी। यूट्यूब ने पॉलिसीज चेंज कर दी हैं, तो प्लीज़ स्पैम कमेंट्स ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो मुझ तक नहीं पहुँचेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। और एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगी, मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो जो है मैं किस प्रोडक्ट पर बनाऊँ। और अगर कोई ब्रांड प्रोडक्ट का जो है एम्प्लॉय वो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ स्पॉन्सर करें। ठीक है, हाँ सही है, स्पॉन्सर करें, क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्ट्स को फोकस कर रही हूँ, प्रमोशन दे रही हूँ, फ्री में प्रमोशन दे रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर करें। इस वक्त जो है मुझे आप लोगों की सपोर्ट और हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।